जी फिल्म ऑब्वियसली एक रोमांटिक हॉरर फिल्म है और मैं एक यंग एंटरप्रेन्योर प्ले कर रहा हूँ जो एक बिजनेसमैन है और वो मॉरिशस आता है, वो कैसे एक लड़की से प्यार में पड़ जाता है एंड देन इतने हद तक प्यार में होता है कि ही इज़ रेडी टू एक्चुअली गो टू एनी लेवल एंड देर आर सर्टन स्पिरिट्स इन्वॉल्व विद द गर्ल जो उसके लड़की किसी एक जंगल में फंसी हुई है जो जिसमें कुछ भूत या स्पिरिट्स इन्वॉल्व हैं। उस चक्कर में ऑब्वियसली लड़की मना कर देती है इसको कि आप उसमें मत घुसो, लेकिन ही इज़ रेडी टू गिव हिज लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी भी दाव पे लगाने को तैयार है एंड वो उसमें घुस जाता है और वो उसका नाइट इन शाइनिंग आमा बनता है फिर। और बेसिकली उसके बीच में मैं हितेन की हेल्प लेता हूँ, उसके बीच में मैं नीता की हेल्प लेता हूँ और हम मिल के अब वो लड़की को बचा पाते हैं या नहीं, ये आपको देखने के लिए कहानी देखनी पड़ेगी। या दिस इज़ माई सेकेंड हॉरर फिल्म, तो 1920 बहुत साल पहले थी, आज भी वो सैटेलाइट पे नंबर वन हॉरर फिल्म है, वो लगभग रोज़ आती है किसी ना किसी चैनल पे, तो ऑब्वियसली एक बहुत बट कहीं ना कहीं मेरा पिछले जन्म से और थ्रिलर्स से और हॉरर से कुछ नाता है ये मैं मानता हूँ एंड व्हाई नॉट यार, अगर है तो वैसे चीज़ करनी भी चाहिए। जी जी, एज अ फिल्म, मतलब फिल्म में जब सोनालिका आई और उन्होंने बताया तो आई थिंक इट्स अ गुड चॉइस बिकॉज शी इज़ ऑल्सो प्रोफेशनल एक्टर, तो बहुत अच्छा रहा क्योंकि उनको मतलब पता है कि क्या है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि ये फिल्म है और फिल्म एक अलग तरीके से शूट होती है, टीवी थोड़े से अलग तरीके से शूट होता है, बट ऑन द होल इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। जी ट्रेलर में मुझसे आपने राज पूछा था और मुझसे पूछा था, तो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी एक रोमांटिक हॉरर फिल्म होगी जहाँ पे प्यार होगा, जहाँ पे भूत होगा, तो वहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि 1920 और राज दो ऐसी फिल्में हैं जिनसे कंपैरिजन होगा ही होगा। एंड मैं ये बोलूँगा कि सांसे, जब मैंने स्क्रिप्ट को हाँ बोला था तो मुझे बहुत टाइम के बाद कोई ऐसी हॉरर स्क्रिप्ट मिली थी जो एक लेवल पे 1920 प्रॉब्ली से ऊपर होगी एंड इसका जिस हिसाब से जो रोमांस लिखा गया है, इसका जिस हिसाब से प्री क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स को बताया गया है और जो पूरी फाइट है अगेंस्ट द स्पिरिट वर्ल्ड, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, तो एक ऑडियंस को देखने में बहुत मज़ा आएगा। प्लस म्यूज़िक इसका काफ़ी बड़ा USP है, ऑलरेडी टचवुड अरिजीत और अरमान के एक एक गाने बहुत बड़े हिट हो गए हैं, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड जी टाइटल सांसे इसलिए क्योंकि जब आपकी बॉडी में कोई सोल आती है या जब आपकी बॉडी किसी स्पिरिट से बंधी होती है तो वो आपकी सांसों को रोक देती है, तो इसका टाइटल एक वहाँ से है और एक इसलिए कि मेरी जो सांसें हैं वो उस लड़की में बंधी हुई हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक है प्यार वाला रिलेशन और एक है भूत वाला रिलेशन। जी इस किरदार को मैंने हॉरर पहले किया हुआ है तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं था कि मैं उसको करते हुए डर रहा था, लेकिन इसमें करीब पाँच या छः एक्शन सीक्वेंस ऐसे हैं जो बहुत ही चैलेंजिंग थे क्योंकि इसमें अंडर वाटर भी हमारा एक सीक्वेंस है जो जिसके लिए काफ़ी मेहनत की, काफ़ी प्रैक्टिस की पहले, क्योंकि अंडर वाटर भी एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में नहीं किया हमने अंडर वाटर एक सी में किया है और समुद्र में आसपास क्या निकलता है ये आपको पता नहीं होता, तो दैट वॉज वेरी चैलेंजिंग। देन अलॉन्ग विद दैट इसमें एक फ़ाइट है जो मेरी खुद की मेरे से ही है और वो भी बहुत चैलेंजिंग थी क्योंकि उसमें आपको खुद ही इमेजिन करना होता है कि अगला जना क्या कर रहा है, तो मतलब आप अपने ही एनिमी हैं एंड यू आर फाइटिंग अगेंस्ट योरसेल्फ, सो दीज एंड द क्लाइमैक्स ये बहुत ही चैलेंजिंग थे। जी अभी हाल ही में आपने मुझे देखा होगा लाल रंग में, मैंने एक अपीयरेंस किया था तो वो एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगा, वो एक पुलिस ऑफिसर का था SP गजराज सिंह,
और वैसे पुलिस के और मिलिट्री के और स्पोर्ट्स रिलेटेड काफ़ी किरदार मैं करना चाहूँगा, जैसे अगर भाग मिल्खा भाग है तो वैसी एक फिल्म मैं करना चाहूँगा। सो ऐसे स्पोर्ट्स रिलेटेड और आर्मी रिलेटेड डेफिनेटली कुछ किरदार हैं जो मैं प्ले करना चाहूँगा। जी 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 रियल लाइफ में मैं हाँ जी रियल लाइफ में मैं डेफिनेटली मानता हूँ कि भूत होता है। भूत मतलब स्पिरिट्स होती हैं। अब वो स्पिरिट्स कई बार अच्छी होती हैं, कई बार हल्की सी नेगेटिव होती हैं। नेगेटिव वाली जो होती हैं उन पे पिक्चरें बनती हैं। एंड बट ऑब्वियसली मेरे को एक पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं पिछले एक साल पहले तक नहीं मानता था इन सब चीज़ों में, लेकिन लास्ट ईयर मेरे साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि उसके बाद मैंने मानना शुरू किया। एंड अगर मैं बताऊँ आपको तो मैं शिमला में था तब, और एक होटल में रात को 10-10:30 बजे के आसपास मैं भाग रहा था ट्रेडमिल पे आफ्टर द शूट। एंड उन्होंने स्पेशली वो जिम खोली थी, वो -3 लेवल पे थी शिमला में। एंड खाली जिम था, आसपास अंधेरा था, बाहर एक खिड़की थी, खिड़की में मतलब आप बाहर सिर्फ खाई देख सकते थे। तो ट्रेडमिल पे भागते भागते सडनली मुझे मतलब ऐसे लगा कि यार कुछ है। एंड मैंने सडनली देखा तो एक बॉडी की एक शेप थी जो सिर्फ ऐसे लगा कि मुझे देख रही है। तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं वापस भागने लगा। एंड उसके बाद अगेन आई सॉ, एंड उसके बाद तो मैंने अपना फ़ोन उठाया, बॉटल उठाई और मैं वहाँ से भागा हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते, क्योंकि वो जो मैंने वहाँ देखा वो एक बेसिकली लिटरली एक इंसान की मतलब एक ऐसे कोई देख रहा था मुझे, और उसके जो भाफ होती है, जो फॉग होती है, वो शीशे के ऊपर आ रही थी। मैं सिर्फ देखा, अपना सामान उठाया और भागा, क्यों, और फिर मुझे ये यकीन हो गया कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है। जी 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 आई थिंक सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो स्क्रिप्ट है, कि जब मैं कोई स्क्रिप्ट सुनता हूँ या पढ़ता हूँ तो मुझे सबसे पहली चीज़ जो मैं देखता हूँ वो ये है कि क्या ये स्क्रिप्ट मैं देखना चाहूँगा, मतलब क्या ऐसी फिल्म मैं देखना चाहूँगा। और अगर वो सही लगता है तो उसके बाद ऑब्वियसली मैं ये देखता हूँ कि उसमें मेरा रोल क्या है। एंड अगर उसके बाद वो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जी 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 जितनी अनबन उनकी डायरेक्टर के साथ है ये तो मैं नहीं बता सकता आपको, क्योंकि मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। मेरे साथ कोई ऐसी अनबन उनकी हुई नहीं। तो प्रमोशन का हिस्सा आप कह सकते हैं लगभग मैं भी नहीं था। मैंने एक दो दिन दे दिए थे, क्योंकि उस डेट्स जो थी वो 2-3 बार शिफ्ट हुई थी फिल्म की रिलीज डेट्स, और पहले की डेट्स ब्लॉक थी, जब तक ये डेट मेरी आई इस बार तब तक मैं ऑलरेडी कुछ और शूट कर रहा था। तो बीच बीच में से जितने दिन मुझसे बन पाए मैंने वो प्रोड्यूसर को दिए। एंड मतलब दिस इज़ व्हाट आई नो। जी किस में, हॉलीवुड में? जी जी फॉलोइंग है, अब मैं वो तो नहीं बता सकता कि फॉलोइंग कैसे है, बट मेरे ओवरऑल सब दोस्त ही हैं, मेरा ऐसा टच वुड ऐसा कोई दुश्मन नहीं है। तो मेन यही होता है, अब मैं सिर्फ अपना काम करते रहता हूँ और जो जो रास्ते में अपने दोस्त बनते गए वो तो रहते हैं, बट मेरे पहले के दोस्त बहुत हैं। यार एक्सपेक्टेशन इससे बहुत ज़्यादा हैं। आई थिंक ये एक बहुत ही सेंसिबली मेड फिल्म है, इसकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है, इसका म्यूज़िक बहुत अच्छा है। और हॉरर फिल्म जो होती है उसका कुछ पता नहीं होता है। हॉरर फिल्म कैन गो एनीवेयर, मतलब इट कैन, वो अगर हिट हुई तो वो बहुत बड़ी हिट बन सकती है। तो यही होप कर रहे हैं कि सांसे बड़ी हिट हो। जी इसके अलावा मेरी नेक्स्ट वजह तुम हो है, जो टी सीरीज़ के साथ है, तो उसमें मैं, शर्मन, गुरमीत और सना है, एंड विशाल पांड्या ने डायरेक्ट किया है। ये एक सेंसुअस थ्रिलर है, बहुत ही बढ़िया सस्पेंस थ्रिलर है। तो इसके बाद उसकी बात करेंगे जब ये रिलीज हो जाएगी। जी यार मैं डेफिनेटली लकी मानता हूँ, और ये भी मानता हूँ कि मैं बीच में ब्रेक नहीं लेता, जो ज़रूरी भी है, लेकिन आई थिंक अभी टाइम है काम करने का, तो काम करेंगे अभी, तो मतलब अभी तो है बहुत साल। थैंक यू सो मच। Thank you.